Assalamualaikum, मेरा सब खैर संगी मुहम्मद एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेट्रॉन को देखेंगे, हम लोग किस तरह से पेट्रॉन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और पेट्रॉन का अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉपवेयर की कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि कस्टमर्स के लिए ठीक नहीं है, मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉपवेयर पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनकी जो अपडेट्स हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं और मज़ीद लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे और उनके जो पैसे फंस चुके हैं इस वक्त तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मेरा 22.50 बैलेंस ओल्ड बैलेंस में चला गया और ये फंस चुका है और नेक्स्ट 3 मंथ टू 6 मंथ्स का इन्होंने टाइम दिया कि उसके अंदर अंदर आपके पैसे आ जाएंगे, वो भी आप इनकी जो न्यू अपडेट आई थी जो कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोज़ में भी बताई है कि इन्होंने न्यू अपडेट लाई जो कि एक अपने पैसे निकलवाने के लिए आपको एक नया बंदा ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि पेड होगा, अगर वो पेड नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा बहुत से ऐसी अपडेट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कस्टमर्स के लिए और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे ज़्यादा बात भी करनी चाहिए, क्योंकि बस इतना ही आपको बोलूँगा कि इस पे इन्वेस्ट ना करें। अब मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वजह से इस पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स जब स्टार्ट किया था तब इस तरह की कोई सीन नहीं था, इस तरह का कोई अपडेट नहीं आई थी, बट अब जो अपडेट्स आने लगी हैं इस टाइप की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो डोंट इन्वेस्ट ऑन दैट वेबसाइट क्योंकि ये एक स्कैम की तरफ जा रही है, आपको अपने ही पैसे निकलवाने के लिए फिर से पैसे देने पड़ते हैं और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की अपडेट लेके आ रहे हैं और आगे कितनी घटिया अपडेट्स और लाते जाएंगे। तो अभी हम लोग पेट्रॉन को देखते हैं कि पेट्रॉन है क्या। गूगल पे जैसे पेट्रॉन टाइप करेंगे आपके पास एक लॉग इन का ऑप्शन आएगा एंड दूसरा रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो हमें जाहिर सी बात है सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, देन हमारा लॉग इन पे आएगा। तो जिसे नहीं पता कि पेट्रॉन क्या है, पेट्रॉन के थ्रू आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं और पैकेज जब परचेज करेंगे आप उस पैकेज की पेमेंट आप शॉपवेयर्स को सेंड भी यहां से ही करेंगे। तो ये पेट्रॉन भी शॉपवेयर्स का ही एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ से पेमेंट वगैरह आपको सेंड या जो आप अपने इजी पैसा अकाउंट जैस कैश या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ से ही करेंगे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड यूजर टाइप में आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट नेम पे आपने अपना रियल नाम, मतलब कि आपका जो CNIC पे नंबर नाम होगा तो वही आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है ताकि जब आप अपनी पेमेंट रिलीज करें तो आपको कोई इशू ना आए। वैसे तो इशू कोई नहीं आता, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपने CNIC वाला ही टाइप करें। उसके बाद आपने ईमेल वो आपने यहाँ पर टाइप करना है जिसपे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन मेल जो जाती है जहाँ से आप अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं, तो एक्टिव करने के बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने ईमेल में कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर लिखना है, फोन नंबर है, उसके बाद आपने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड लिखना है, कोई भी पासवर्ड आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यूजर टाइप आएगा, तो यूजर टाइप में आप यहाँ पर यूजर ही रहेंगे ना कि मर्चेंट रहेंगे, आप कोई चीज बेच नहीं रहे, आप यहाँ पर यूजर पे ही रहेंगे और यहाँ पर आपने सिंपल साइनअप कर देना है। साइनअप करने के बाद आपने अपना जीमेल ओपन करना है, तो जीमेल ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ हिस्सा का वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, तो आपने यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है पहले से ऑलरेडी वेरीफाई हुआ हुआ है, तो आपने अपना वही ईमेल एंड पासवर्ड अपना यहाँ पर आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने सीधा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिंपल सा इंटरफेस डैशबोर्ड जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा। तो अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये पेट्रॉन किस तरह से वर्क करता है और क्या होता है ये पेट्रॉन। कोई ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि क्रिटिकल चीज़ नहीं है कि आपको समझ ना आए कि किस तरह से आपने यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने अपना प्रीवियस मेरा जो बैलेंस है वो मैंने सीधा उन्होंने यहाँ पर अपने ब्रॉन्ज पैकेज के लिए इनपुट किया था, मतलब पेट्रॉन में यहाँ पर डिपॉजिट किया था और फिर यहाँ से मैंने शॉपवेयर्स को भेजा था। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, सबसे पहले आपने पेट्रॉन में अपनी पेमेंट है वो मंगवानी होगी, उसके बाद फिर आपने शॉपवेयर्स को सेंड करनी होगी। तो आपने यहाँ पर सिंपली डिपॉजिट पे चले जाना है
और यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको 3000 ही चाहिए होगी, तो आपने पीकेआर में करेंसी ही करनी है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड आ रहा है, आपको कौन सा पेमेंट मेथड चूज करना है। तो ज्यादातर लोग जो है वो इजी पैसा जैस कैश के थ्रू ही करते हैं, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी पेमेंट यहाँ पर रिलीज नहीं करूंगा, जैसा आपको समझाने के लिए एक डेमो के तौर पर आपको बताऊंगा किस तरह से आप पेमेंट अपने यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपने आपका अकाउंट अब अमाउंट यहाँ पर जो 3000 लिखी है ब्रॉन्ज पैकेज, ये अगर आप ज्यादा का पैकेज लेना चाह रहे हैं, मतलब आप शॉपो एड में जाके आप पैकेज देखेंगे, जो भी आपको पैकेज वहाँ पर चाहिए होगा तो वहां से आप अपने पैकेज के हिसाब से अपने पैकेज के थ्रू यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे, पीकेआर करेंगे, इजी पैसे से करना है, जैस कैश से करना है, बैंक से करना है, कोई भी आप सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको इजी पैसा यहाँ पर बताता हूँ कि किस से आपने डिपॉजिट करना है। तो आपने यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो सिंपल डिपॉजिट के बाद आपने यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि एक न्यू इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब न्यू इंटरफेस का मतलब यह है कि आपको डायरेक्टली पैसे अपने मोबाइल से ट्रांसफर करने हैं इनके यहाँ पर गिविंग नंबर पर। तो जिस तरह से ये अकाउंट नंबर है इनका मीज़ान बैंक है, बैंक टू बैंक अगर आपने करना है तो तब भी आपकी मर्जी है, अगर आपने इजी पैसा के थ्रू करना है तो तब भी आपकी मर्जी है। तो मैंने जिस तरह से इजी पैसा सिलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात एमसीबी बैंक या मीज़ान बैंक में ही हमारे पास आ रहा है। इन दोनों में से आपने जिस बैंक में भी ट्रांसफर करना है तो आपने इजी पैसे में जाना है। इजी पैसे में जाके आपने सिंपली यहाँ पर डिपॉजिट में जाना है, मतलब सेंड मनी में जाना है। तो आपने मीज़ान या एमसीबी बैंक में से किसी भी बैंक अकाउंट नंबर पे मतलब आपने सेंड करना होगा, जिससे अकाउंट नेम यहाँ पर पेथ्रोन है, अकाउंट नंबर क्या है इनका ये सामने आपको गिवन दिया गया है। तो बैंक नेम एमसीबी बैंक है, तो रिसीवर नंबर मतलब कि रिसीवर नंबर भी आपने अगर टाइप करना है तो यहाँ पर जाहिर सी बात आपको रिसीवर नंबर टाइप करना ही होगा, तो आपको ये नंबर यहाँ पर गिवन देना है। तो आप अकाउंट नंबर पे जैसे ही जाएंगे एमसीबी आपने या मीज़ान बैंक दोनों में से इजी पैसा का ये डिपॉजिट है, तो इजी पैसा में आप जाएंगे, आई थिंक जैस कैश में अगर आप जाएंगे तब भी आपको एमसीबी बैंक या मीज़ान बैंक में ही सिलेक्ट करने को मिलेगा। अगर आपको कोई और बैंक सिलेक्ट करने को मिलते हैं, मतलब कि कोई और बैंक है, तो आपने सिंपली यही प्रोसीजर यहाँ पर करना है। अगर बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर करने है तो सिंपली आपको यही चीज दी जाएगी, तो वहां पर भी आपको सिंपल यही तरीका मिलेगा। तो ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली है कि सिंपली आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेंड मनी में जाना होगा, इजी पैसा सिलेक्ट करना होगा। इजी पैसा सिलेक्ट करके जाहिर सी बात आपने इजी पैसा अगर सिलेक्ट किया है तो आपके पास एमसीबी या फिर मीज़ान बैंक ही आएगा। तो आपने सेंड मनी में जाना है, वहां पर बैंक ट्रांसफर मतलब जो होगा वहां पर अपने सेंड मनी में जाएंगे आप, वहां पर आपको बैंक नंबर मतलब बैंक आपने सेलेक्ट करना होगा, एमसीबी बैंक या फिर मीज़ान बैंक आपने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा, जो कि अकाउंट नंबर उनका यहाँ पर ये गिवन दिया गया है। तो अकाउंट नंबर को आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वहाँ पर 3000 लिखेंगे, पुट आउट करने के बाद आपने मनी जब ट्रांसफर करने की बारी आएगी तो आपने यहाँ पर नंबर भी पुट करना होगा। वहाँ पर आपको जैसे ही आपको ट्रांजेक्शन्स का आपको पता हो कि आपने पहले भी यहाँ पर पैसे सेंड किए होते हैं, किस तरह से करते हैं, सारा प्रोसीजर आपको पहले से ही पता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। जब आप सेंड करने लगेंगे तो आपके पास ऊपर नाम आएगा पेथ्रोन, तो जाहिर सी बात है पेथ्रोन का जब जैसे ही आपका नाम आएगा तो आपने पैसे सेंड कर देने हैं। तो ये तो अकाउंट नंबर मतलब के ऐप में जाकर आप किस से पैसे अपने सेंड करेंगे, तो ये प्रोसीजर था। अगर आपके पास ऐप नहीं है, आप दूसरा सिंपल मोबाइल यूज करते हैं, तो आपके पास दूसरा पेमेंट सेंटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपने डायल करना है *786#, तो आपने यहाँ पर सारा प्रोसीजर यहाँ पर गिवन दिया गया। स्टेप टू यहाँ पर आएगा सिलेक्ट मनी ट्रांसफर, उसके बाद स्टेप थ्री है सिलेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसके बाद सिलेक्ट एमसीबी बैंक या मीज़ान बैंक जो भी है, उसके बाद आपने इंटर करना है इनका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद आपने स्टेप सिक्स में जाके इनका नंबर टाइप करना है जो कि उन्होंने ऊपर गिवन दिया गया यहाँ पर, उसके बाद स्टेप सेवन में आपने 3000 पुट आउट करना है, उसके बाद आपने इजी पैसा का पिन पुट आउट करना है, मतलब पिन करना है लगाना है, और आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगी। उस ट्रांसफर कर दिया आपने, आपके पास TRX ID आती है जो कि स्मॉल नंबर्स की होती है, आई थिंक 8-9 नंबर्स की होती है। आपने मैसेज डिलीट नहीं करना, वहां से 3737 से जैसे ही मैसेज आएगा आपने TRX ID जो कि 7-8-9 डिजिट्स की होती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। लाइक यहाँ पर डेमो 12393, जिस तरह से मेरी प्रीवियस डेमो आईडी मतलब कि प्रीवियस जो मेरी TRX ID थी वो ये थी, तो आपने यहाँ पर अपनी TID ID जो होगी वो टाइप करनी है एंड यहाँ पर
आपने कंफर्म कर देना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो आपकी जो पेमेंट होगी वो डिटेक्ट कर ली जाएगी, तो आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन सिलेक्टेड बैंक अकाउंट, तो TIDX जो नंबर है जाहिर सी बात है ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ, तो मैच नहीं कर रही, तो मैच नहीं कर रही, मेरी पेमेंट भी यहाँ पर गिवन, मतलब पेमेंट भी मुझे यहाँ पर सेंड नहीं की गई। तो आप यहाँ पर ग्रीन आएगा और पेमेंट आपकी यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ आएगा, तो आपकी पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पर पेमेंट पे थ्रोन में आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ पर मेरी पेमेंट आ रही है कि 3000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि डिपॉजिट कर दिया गया है। ट्रांजेक्शन आईडी मेरी गिवन यहाँ पर दी गई है, तो आपकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी आ रही होगी। तो ये कुछ तरीका था जो कि आप अपने पे थ्रोन में जो अपनी ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं, मतलब आप अपने पे थ्रोन में इजी पैसा के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर जैस कैश के थ्रू कैसे पैसे इंटर कर सकते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो कि आप पे थ्रोन से अपने शॉपवेयर्स में पैसे सेंड करेंगे वो कैसे करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और जल्द ही ये वीडियो आ जाएगी। इसमें मैं ज़्यादा डिले नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से इस वीडियोज़ को डिले करने में ज़्यादा कोई वजह बचती नहीं है, क्योंकि ये शॉपवेयर्स हैं, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ऑलरेडी बहुत से लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो मजीद भी लोग गालियाँ देंगे। तो दैट्स व्हाई मैं आपको फिर एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन शॉपवेयर्स। तो जो न्यू वीडियो है वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगी, शायद सेम डे ही आ जाए या फिर नेक्स्ट डे भी आ सकती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी, और खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।